हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, हम यूनिट 4 के साथ, जो कि आपका चैप्टर है लाइवलीहुड्स, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपके जो 7 चैप्टर हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है लाइवलीहुड से रिलेटेड, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम बेसिकली आज अभी बात करेंगे वो है रूरल लाइवलीहुड्स की। ठीक है ना, कि जो रूरल के लोग हैं वो किस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए अपना काम करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने जो अभी तक हैं सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देखे होंगे। ठीक है ना, 1 to 7 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब बाकी का जो चैप्टर्स हैं वो आई थिंक 9 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसको मिला के हमारे पास ये लास्ट सेकेंड चैप्टर रहता है, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आगे। ये पेंटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट तो आपने सब देख ही लिया होगा, हम बात कर लेते हैं। कहते हैं डिस्क्राइब द वर्क, आप वर्क को डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर्स। मतलब जो भी आप सॉरी, जो भी आप इसमें वर्क देख रहे हैं उसको आपको इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ इसके अंदर। पहला आप इसको लिख सकते हैं अपने पास, अगर आप नोटिंग कर रहे हैं तो, लेबरर्स। ठीक है ना, एक सेकेंड, लेबरर्स को आप लिख लीजिए, लेबरर्स। ठीक है, दूसरा हो गया आपका फिशिंग करना। ठीक है ना, फिशिंग का हो गया। मैं आपको 3-4 एग्जांपल बता दूंगा। प्लकिंग फ्रूट्स, प्लकिंग प्लकिंग PLUCKING, प्लकिंग फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सुपरवाइजिंग वाला काम। ठीक है ना, जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, और फिर आ जाता है आपका लेबरर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दूज दैट आर नॉट, लिस्ट दीज इन टेबल। कहता है जो फार्मिंग से रिलेटेड है काम और जो नहीं है। मतलब अगर फार्मिंग से नहीं रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर हो सकता है, तो इसी में ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग है और वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हम इसमें बांट दे सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि भाई अगर वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग होगा तो उसमें लेबरर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, फार्मिंग में लेबरर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेबरर्स आ जाएगा। वो फार्मिंग में आपका वो प्लक करेंगे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। ठीक है जी, और जो कि फील्ड्स में लेबर काम करती है वो इधर आ जाएगी, और जो कि आपका लोड को कैरी करती है वो एग्रीकल्चर में आ जाएगी। फिर फिशिंग भी इसके अंदर आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, चलिए, इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स वगैरह। तो आप पिक्चर्स तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें मुझे कुछ बताने लायक नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डिस्क्राइब द वर्क दैट थुलासी डज, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। जो थुलासी का वर्क है वो किस बेस पर डिफरेंस करता है? अच्छा, मैं आपको पहले ये वाला करवा देता हूँ। बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से द थुलासी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर। कि आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ऊपर, इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं कि जो देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई भी इनकम नहीं है तुलासी की। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो तुलासी की इनकम है वो क्या है, वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल लेबरर है, और जो एग्रीकल्चर लेबरर होती है उसकी पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी पीरियड वाइज इनकम होती है। तो जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक इनकम है उसकी, वो इनकम निल है, इसलिए उस पीरियड में वो कहीं और एम्प्लॉयड हो जाते हैं एज अ लेबरर। चलिए, तो हम ये पढ़ रहे थे कि थुलासी का वर्क रमन से किस तरीके से डिफरेंस है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको थुलासी का बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रमन का बता दूंगा, ऐसा कर लें। चलिए, तो सबसे पहले थुलासी का वर्क देख लेते हैं। देखिए थुलासी क्या है, थुलासी की जो अपनी वो पैडी फील्ड है वो अपनी पैडी फील्ड में चली जाती है 8:30 के आसपास, मतलब फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। मतलब
8:30 बजे से लेकर 4:30 तक वो वहीं रहती है आपकी, ठीक है। और फिर क्या करती है, एक तो काम ये हो गया उसका, दूसरा वो सबसे पहले अपने वर्क करती है अपने होम का, जिसके अंदर कुकिंग हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, वॉशिंग क्लोथ्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारा काम हो जाता है। तो तुलसी का तो ये काम हो गया। चलिए सेकंड काम हम रमन का डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा ठीक है। तो रमन का डिस्कस कर लेते हैं। तो रमन क्या करता है, रमन एक तरीके का लेबरर है, ठीक है ना। तो रमन लेबरर है, वो क्या करता है, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है, ठीक है ना। उसके बाद नो वर्क ऑन द फार्म, तो लोडिंग वगैरह, अगर कोई फार्म पे वर्क नहीं है तो लोडिंग वगैरह कैरी आउट कर लेता है, ठीक है ना। और घर की जो ग्रॉसरी वगैरह है वो लाने में घर पे हेल्प करवा देता है, ठीक है जी। चलिए सेकंड हो गया, तुलासी गेट्स पेड वेरी लिटिल मनी फॉर द वर्क शी डज, व्हाई डू यू थिंक एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स टू एक्सेप्ट हाउ लो वेजेस। मतलब कि भाई कह रहा है कि जो तुलासी है उसको हम क्या करते हैं, बहुत कम पैसा देते हैं, ठीक है ना। अब तो वाई डू यू थिंक कि भाई एग्रीकल्चर लेबर आर फोर्स्ड, भाई इतने लो वेजेस पे ये कैसे काम कर लेते हैं। देखिए होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि जब उनके पास कोई और काम करने के लिए नहीं होता, कि भाई हमारे पास इन महीने में हमारे पास और कुछ काम नहीं है, तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो इससे बढ़िया कुछ, जीरो से बढ़िया तो कुछ है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पर वो लो वेजेस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि भाई उनको फिर अब अप्रैल के बाद मई वगैरह जून वगैरह में उनको अपने पास फिर दोबारा काम पर जाना होगा, इसलिए उनको रिलैक्सेशन भी एक तरीके से मिल जाता है, एश्योरेंस मिल जाता है कि बाकी तो फिर बाद में काम अपना है ही, ठीक है। चलिए थ्री में क्या है, कहता है इन वाट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ थुलासी ओन सम फार्म लैंड डिस्कस। अच्छा आप ये मान के चलिए कि अगर तुलासी के पास एक अपनी फार्म लैंड होती तो वो क्या करती। देखिए अगर तुलासी के पास अपनी लैंड होती तो वो क्या कर सकती थी, देखिए, तो फिर वो अपना एक तरीके से आउटसाइड से हेल्प ले लेती थोड़ी सी अपने लिए, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए, और फिर सारी जो भी उसकी पैदावार होती वो सारी उसकी होती, ठीक है ना। और फिर वो क्या करती, अच्छे से सीड्स परचेज करती, फर्टिलाइजर परचेज करती, और फिर उसको बेच देती अपना अपनी जो भी प्रोड्यूस करी है, तो वो उसका, तो वो एक तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकती थी, ठीक है। कि भाई जब आप किसी लैंड के ओनर बन जाएंगे तो आप ऑफकोर्स ही बात है ज़्यादा ही कमाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन फोर है, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन और नियर बाय रूरल एरिया, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क। अब ये तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, जैसे कि नॉर्मली अगर आप जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है ना, तो अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो वहाँ पर राइस का कल्टिवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जूट का कल्टिवेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से रीजन से हैं और आपके यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स का होता है, जैसे यूपी है, यूपी में शुगर केन का ज़्यादा रहता है, इस तरीके का डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। चलिए हाँ ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है देखिए स्टोरीज आपने सबने पढ़ी हुई है, मैं इसलिए बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कहेंगे तो फिर वही कि डिस्कस करना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो। वाट वर्क डज सेकर्स फैमिली डू, वाट डू यू थिंक सेकर डज नॉट यूजली एम्प्लॉय लेबरर्स फॉर डूइंग फार्मिंग वर्क। कहता है कि देखिए सेकर फैमिली जो होती है वो वर्क फील्ड में वर्क करती है, ठीक है ना, कल्टीवेट करती है, ग्रो करती है क्रॉप्स वगैरह। अब क्या होता है, जब सेकर डज नॉट, अब यूजली तो एम्प्लॉय करता नहीं है लेबरर्स फॉर डूइंग फार्मिंग, क्योंकि अपनी विद इन फैमिली ही काम कर लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि उसको आउटसाइड हेल्प चाहिए भी होती है तो फिर वो कर लेता है अपनी लेबर वगैरह को कहीं से अरेंज कर लेता है एक्सचेंज करके, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तो आप ही कह सकते हैं कि भाई सेकर तो विद इन फैमिली ही काम करवा लेता है। सेकंड, व्हाई डज सेकर नॉट गो टू द टाउन मार्केट टू गेट अ बेटर प्राइस फॉर हिज पैडी। सेकर डज नॉट, देखिए क्या होता है कि शेकर को एक बेटर प्राइस क्यों नहीं मिलता, रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखिए वो 60 बैग्स जो है पैडी के वो बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब 60 बैग्स ही पैडी के बनाता है तो उसी को ही वो
उसी से लोन का सेटलमेंट करता है और कुछ उसकी घर पर लग जाती हैं अपने हाउस होल्ड के लिए। तो जब उसके पास कोई सरप्लस बचता ही नहीं है तो फिर वो मार्केट में बेचेगा क्या? तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है ना। अब जब आपने पढ़ी होगी स्टोरी तो आप चीज़ों को इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ये कह रहा है कि जो सेकर की सिस्टर है मीना हैड ऑल्सो टेकन लोन फ्रॉम द ट्रेडर। शी डज नॉट वॉन्ट टू सेल हर पैडी टू हिम बट शी विल पे बैक हर लोन। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इमेजिनरी कन्वर्सेशन, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ें आप ही अपने पार्ट पर करके देखिए, अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज। हाँ, ये मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखिए, चलिए दोनों बना लेते हैं, सेकर और तुलसी, ठीक है। चलिए सेकर तुलसी बना लिया। कहता है कि देखिए सेकर के पास तो क्या है, उसका प्लॉट ऑफ लैंड है, देखिए, पर वो प्लॉट ऑफ लैंड सिर्फ 2 एकड़ का है, जबकि तुलसी के पास कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है ना। इसने लोन तो लिया है, सेकर ने भी लोन लिया है, और वो क्या करता है, अपनी ही पैडी क्रॉप्स को लो प्राइस पर बेच देता है, जबकि तुलसी ने जो लोन लिया है वो उसकी अपनी जो बेटी बीमार है उसके लिए लिया है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी गाय को बेच देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि लोन दोनों ने लिया। अच्छा, अब ये तो डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ लिख लेते हैं, अब सिमिलैरिटीज़ शेकर और तुलसी में। तो देखिए, अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, तो सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, बोथ आर लेबरर्स, दोनों ही लेबरर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा कि भाई दोनों ही को एडिशनल मनी कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि चाहे कलेक्ट फायरवुड का कलेक्टिंग हो गया या फैचिंग वाटर हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, ये हमारा 4th डिस्कस हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आप रीड अगेन सेकर्स एंड तुलसीज अकाउंट, आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू दे से अबाउट रामालिंगम द लार्ज फार्मर टुगेदर विद व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिलो। बेसिकली क्या कहना है कि जो भी शेकर और रामालिंगम की स्टोरी थी वो एक बार आप तुलसी की और रामालिंगम की पढ़िए और फिर इन तीनों को कोरिलेट करिए। तो मैं फ्रेंड्स पढ़ तो नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूंगा कि भाई बेसिकली क्या कहना है। हाउ मच लैंड डज रामालिंगम के पास, कितनी लैंड थी, तो आप लिख लीजिए 21, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द रामालिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड, तो जो भी उस वो करता था वो क्या करता था, उसको ट्रेडर को, जो भी राइस मिल ओनर्स थे उसको बेच देता था, ठीक है, राइस मिल्स ओनर्स को बेच देता था। फिर तीसरा, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हाउ एल्स डज ही अर्न्स, तो फार्मिंग के अलावा वो क्या से कि भाई वो क्या कर सकता था, लोन्स दे देता था पुअर को और उससे उन्हें इंटरेस्ट की इनकम मिल जाती थी, ठीक है जी। उसके बाद वो क्या करता था, शॉप थी उसकी, तो उसी पे वो अपने सीड्स वगैरह और पेस्टिसाइड्स वगैरह बेच देता था, तो उसको इस तरीके से इंटरेस्ट की और वैसे इनकम हो जाती थी, ठीक है। चलिए, अब हम अच्छा, फ्रॉम द फिगर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर्स अबव वुड यू से दैट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज फार्मर आर क्वाइट पुअर, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू चेंज दिस सिचुएशन। आपको जब पता ही है फ्रेंड्स कि भाई देखिए फार्मर्स की इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री में, तो क्या इस सिचुएशन को चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर करा जा सकता है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको डेटा बताऊँ तो जो 2x5 क्या है हमारा, 2x5 रूरल फैमिलीज हैं, ठीक है, 2x5 रूरल फैमिलीज़ हैं। अब इंडिया में मतलब हर 5 में से 2 फैमिलीज रूरल हैं, ठीक है जी। अब वो अपने जो भी इनकम करते हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो अपने एक्सपेंस को रन कर सकें, ठीक है जी। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो लेबरर्स की जॉब करते हैं, ठीक है ना, उनको इस, बट हम उनकी सिचुएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनको क्या प्रोवाइड करें, अगर हम उनको जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छे से सीड्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करें, हाई क्वालिटी हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करें,
ठीक है जी, तो उससे उनकी सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डू द बोथ सेकर्स एंड अरुणास फैमिली हैव टू बोरो, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड, कि जो सेकर है अरुणा फैमिली की, उनको दोनों को बोरो करना पड़ता है, तो क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज आप इसमें फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है ना कि जो दोनों को बोरो करने पड़ रहे हैं, उनके पास 2 एकड़ की लैंड है, ठीक है ना, और 60 बैग बनाते हैं वो पैडी के एक तरीके से अपने सीज़न में, तो वो उनकी सफिशिएंट है ही नहीं फैमिली के लिए। सो वो क्या करते हैं उसके लिए फिर उन्हें बोरो करना पड़ता है। अब जब वो बोरो अच्छा अब बोरो करते हैं कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्योंकि भाई 4 महीने ही ऐसा होता है जिस पे वो नहीं कमा पाते कुछ भी। तो और फिर जैसी ये होता है ब्रीडिंग सीज़न का, और फिर जैसे ही वो फिर अपना हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उनके पास पैसा आ जाता है, साइकिल बन जाती है। तो सिर्फ अपनी 4 मंथ की साइकिल को पूरा करने के लिए वो बोरो करते हैं। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ ट्सुनामी, सुनामी की बात कर रहा है, वाट इज़ दिस एंड वाट डैमेज डू यू थिंक इट माइट हैव डन टू द लाइफ ऑफ फिशिंग फैमिलीज लाइक अरुणास। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि भाई आपने सुनामी का वर्ड सुना, तो बेसिकली फ्रेंड्स इसमें जो सुनामी है उसका जो टी है वो साइलेंट रहता है, ये एक तरीके का जैपनीज वर्ड है, ठीक है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सु प्लस नामी, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सुनामी। तो ये अगर अब मैं आपको इसके सुनामी के बारे में बताऊं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये एक तरीके की किलर वेव है, ठीक है ना, जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, और जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अपनी लॉस कर देते हैं देयर लाइफ्स, उसके कारण में कुछ बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, ऑर्फंड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब तक हमने जो बेसिक एक्सरसाइज थी वो डिस्कस करी थी, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा चैप्टर फ्रेंड्स बड़ा है, बट आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, जिससे आपको कोई इशू ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म वर्क, लिस्ट 5 ऑफ दीज। तो एक एक करके अच्छा कोशिश करते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्क है आपका पीपल, जो भी हैं लोग बाग, जो पीपल हैं वहाँ के, वो किस में एंगेज्ड हैं, जैसे वो बास्केट्स बना लेते हैं, ठीक है ना, यूटेंसिल्स बना लेते हैं, पॉट्स बना लेते हैं और ब्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप अगर मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा तो आप बना सकते हैं बास्केट्स, यूटेंसिल्स और आपका हो गया पॉट्स एंड ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड पॉइंट हो गया आपका कि भाई वो ब्लैक स्मिथ, मतलब जो मोची वगैरह का काम होता है वो बना लेते हैं, वॉशरमैन कपड़े वगैरह धो लेते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, वीवर्स बन जाते हैं, नर्स बन जाते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो जाती है, ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे काम हैं कि वो शॉपकीपर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, शॉपकीपर्स लिख सकते हैं, रिपेयर की शॉप्स खोल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको 5 पॉइंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कलपट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, व्हाट इज़ द पुअरेस्ट अमंग देम एंड, ठीक है ना। तो कलपट्टू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, तो फ्रेंड्स जैसे कि पहला हो गया कि भाई एक तो हो गया आपका लैंड ओनर्स, ठीक है ना, लैंड ओनर्स जो कि क्या करते हैं, उनके फार्म्स होते हैं एंड एम्प्लॉय वर्कर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, ठीक है ना, उनके अपने फार्म्स होते हैं और वो वर्क करते हैं ऑन देयर फील्ड्स। दूसरा, फार्मर्स विद स्मॉल प्लॉट्स ऑन लैंड हु डू ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स। बेसिकली क्या होता है, कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि अपने स्मॉल, एक तरीके से स्मॉल प्लॉट होता है उनका, जैसे बहुत छोटा हो गया, उसी पर अपना वर्क करके अपना हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक तो हो गया लैंड ओनर्स का, एक हो गया जिनके फार्मर्स के पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया इस तरीके से। फिर तीसरा क्या होता है आपका, जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, मतलब उनके पास ज़मीन तो है नहीं खुद की, वो लेबरर्स की तरह काम करते हैं, आप लिख सकते हैं लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स हो गए आपके। तो अगर हम बात करें कि भाई अब 3 तरीके के हो गए, तो इसमें सबसे पुअरेस्ट कौन है, तो फ्रेंड्स जो सबसे पुअरेस्ट है वो है जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है ना, वो सबसे पुअर है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ अ फिशिंग फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर एन इंजन, व्हाट वुड यू से? कहता है आप मान के चलिए कि आप फिशिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है येस। इसके मैं आपको मुख्य कारण बताता हूँ कि बैंक से लोन क्यों लेना पसंद करेंगे। देखिए एक तो वो लीगल सेंक्शन है, बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, जैसे आपने मनी लेंडर के केस में देखा था, क्योंकि दे आर चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ जो होती है आपका इंजन जो होता है कि भाई वो जिससे कि इंजन बेटर होगा तो वो बेटर कैच कर सकता है फिशिंग को, ठीक है ना। तो अब वो लोग ज़्यादा इस बारे में जान सकते हैं जो कि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ पढ़ने का बेसिकली काम कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना ही जान लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, पुअर रूरल लेबरर्स लाइक थुलासी ऑफन टू डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, गुड स्कूल्स एंड अदर रिसोर्सेज, यू हैव द रीड अबाउट इनइक्वलिटी। अब देखिए आपने थुलासी के बारे में देखा ना, उनको स्कूल्स मिल रहे अच्छे, ना मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही, ना कोई अदर रिसोर्सेज मिल रहे, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या सोच सकते हैं कि भाई ये इनइक्वलिटी तो नहीं है? भाई अगर आप उनको सबसे पहला लैंड दे दीजिए, मान लीजिए कि भाई उनके पास अगर लैंड की कमी है तो लैंड दे दीजिए, ठीक है ना। उनको अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए लोन चाहिए तो आप उनको लोन प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है ना। उनको फिर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करवा दीजिए, उनको वाटर प्रोवाइड कर दीजिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, तो उनकी अपने आप ही सिचुएशंस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं लैंड, आप लिख सकते हैं लोन, आप लिख सकते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक सेकर व्हेन दे गेट इनटू डेट? तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि भाई अगर वो डेट में फंस गए हैं तो वो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है? तो देखिए अब हमारे को तो गवर्नमेंट को देखिए बेसिकली क्या कर सकती है, भाई उनको लोन दे सकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे कि वो अपना लोन, अपना फसल वगैरह को ज़्यादा अच्छे से करके वो अपना पुराना लोन चुका दें और फिर अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर लें, ठीक है जी। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ सेकर एंड रामालिंगम बाय फिलिंग आउट द टेबल। अब ये कह रहा है सेकर और रामालिंगम को आप उसकी टेबल को फुलफ़िल करना है, तो मैं आपकी टेबल ये फुलफ़िल करवा देता हूँ, ठीक है ना। सेकर के पास जो लैंड है वो कितनी है आपका 2 एकड़, ठीक है जी, और रामालिंगम के पास कितनी है 20 एकड़। लेबर रिक्वायर्ड, तो ये तो अपने खुद से काम करता है, जबकि ये क्या करता है दूसरे लेबर्स को अपने पास एम्प्लॉय कर लेता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये लोन लेता है किससे, ट्रेडर से, और रामालिंगम को तो लोन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। और फिर ये जब सेल करता है अपनी हार्वेस्ट को तो होम कंजम्पशन कर लेता है, जबकि ये विलेज में सोल्ड कर लेता है, ठीक है ना। जबकि ये राइस मिल वगैरह में अदर वर्क काम करता है, और ये अपनी दुकान पे सेलिंग पेस्टिसाइड एंड सीड्स का बेच लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो हमारा इसी के साथ रूरल लाइवलीहुड हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, अर्बन लाइवलीहुड डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।